G20 सम्मेलन में विदेशी मेहमानों के सामने झुके रह गए साए। इधर एक मुस्लिम लड़के ने रच दिया इतिहास, हर कोई रह गया हैरान। साहेब की जगह दिखा मोइन मंसूरी के जज्बे का जलवा। हर किसी ने मुस्लिम लड़के की दिल खोल कर की तारीफ। साहेब के चेलों की निकल पड़ी चीख। मुस्लिम लड़के के जलवे के आगे साहेब का जलवा पड़ गया फीका। लोगों ने झोली भर भर कर दी बधाई। नीले कोट में जो बड़ी सादगी के साथ चल रहे वो मोइन मंसूरी, जिनके जज्बे को साहेब के आदेश पर मोदी मीडिया ने लाख दबाने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम लड़के मोइन मंसूरी के सामने बड़े बड़े धुरंधर भी चित हो। एक ऐसा कारनामा दिखाया कि पूरी दुनिया झुककर मोइन मंसूरी को सलाम कर रही। ये जलवा बचपन में मगरमच्छ उठाकर घर लाने वाली कहानियां सुनाने वाले का नहीं है, बल्कि उस लड़के का है जिसने अपने ही सामने अपने ही इबादत खानों पर भगवा झंडा फहराते लोगों को देखा। तालीम गाहों की राहों पर खड़े मवालियों की वजह से मुस्लिम बच्चों को रास्ता बदलते देखा है, लेकिन फिर भी मोइन मंसूरी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। साहेब के चेले चपाटों और दो दो रुपल्ली का ट्विच करने वालों की सेना में मोइन मंसूरी शामिल नहीं हुए, बल्कि अपने जोश और जज्बे के दम पर वो कर दिखाया जो बाबा की कांवड़ वाली सेना के बेगड़ायल लड़के नहीं कर सकते। ये मोइन मंसूरी है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले, उसी उत्तर प्रदेश के जहां के मुखिया अपने सरकारी कारिंदों को कांवड़ियों पर फूल बरसाने के काम पर लगा देते हैं। उसी उत्तर प्रदेश के मोइन मंसूरी ने देश के सर्वोच्च परीक्षा UPSC में परचम लहरा दिया। जैसे ही खबर आई सामने, वैसे ही इलाके में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन एक तबका चेहरा लटकाए खड़ा कि कल तलक जिनको नाई पंचर वाला या उपद्रवी कहा करते थे, उसी समाज से एक और नाम निकला है। ऐसा नहीं है मोइन मंसूरी शुरुआत से ही IAS बनना चाहते थे, वो तो क्रिकेटर बनना चाहते थे। घर के बाहर खोल रखा था साइबर कैफे, जिसकी मदद से चलाते थे घर। पिता रोडवेज में ड्राइवर थे, चाहते तो धर्म ध्वज उठाने वालों की तरह ही खुद भी उसी राह पर चल पड़ते। लेकिन नहीं, देश की सेवा की चाह में मोइन मंसूरी ने अपने जीवन को खपाने की सोची, और जो साहेब और बाबा के कारिंदे सपने में भी नहीं सोच सकते थे वो कर दिखाया। आज मोइन मंसूरी IAS बन चुके हैं। स्पेशल डेस्क द कंटा।